अस्सलाम वालेकुम, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9। अफसाना पोस्ट मास्टर रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। अफसाना शुरू करने से पहले राइटर की लाइफ हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश 7 मई 1861 में जोड़ासांको में हुई। उनके वालिद का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो अपने वक्त के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। टैगोर ना सिर्फ एक बहुत बड़े राइटर थे, बल्कि उसके अलावा एक अदीब शायर, फलसफी, कहानीकार, ड्रामा निगार, नावल निगार, मुसव्वर, मौसीकार और एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने काफ़ी तादाद में नावल और अफसाने भी लिखे। उनका पहला नावल कोरोना 1877 में रसाला भारती में शाया हुआ। उनके दूसरे मशहूर नावल शीशिर कविता, घरे बायरे, चोकर वाली वगैरह है। उनका सबसे अहम नावल गोरा है, जो बंगला अदब का शाहकार तस्लीम किया जाता है। उन्होंने अपना पहला अफसाना घाटे खोता 1884 में लिखा। उनके नुमाइंदा अफसानों में पोस्टमास्टर और काबली वाला है, जिन्हें बैन अक्वामी शोहरत हासिल है। उन्होंने गीत भी लिखे, उनके गीत को रविंद्र संगीत कहा जाता है। 1910 में उनकी किताब गीतांजलि वजूद में आई। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, जिसकी वजह से तमाम हिंदुस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया। जन गण मन जो हिंदुस्तानी का कौमी तराना है, रविंद्रनाथ टैगोर की ही लिखी हुई है। इस अजीम हस्ती का इंतकाल 1941 में हो गया। मुलाजमत शुरू होते ही पोस्टमास्टर की पोस्टिंग एक छोटी सी गांव में हुई। गांव का नाम ओलापुर था। करीबी एक नील कोठी थी, जिसके मालिक ने बड़ी कोशिशों से इस डाकखाना को बनाया था। डाक बाबू ने कलकत्ता में परवरिश पाई थी, इसलिए गांव में उनकी हालत पानी से बाहर निकाली हुई मछली की सी हो रही थी। फूस की छप्पड़ से एक अंधेरी कोठरी में डाकघर था। कोठी के मुलाजमीन को काम से कोई फुर्सत ही ना मिलती थी कि वो डाक बाबू के पास आते और उनसे बात करते। बात दरअसल ये है कि कलकत्ता वालों को बाहर वालों से मिलना जुलना ही नहीं आता। किसी अजनबी जगह पहुँच कर या तो वो अकड़ते फिरते या अलग थलग रहते। यही वजह थी कि डाक बाबू बस्ती वालों से घुल मिल ना सके। हालांकि उन्हें काम ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन कभी कभी जी बहलाने को वो शेर गोई किया करते थे। उनके नज़मों का मौजू पौधों का हवा में हिलना और आसमानों पर बादलों का गुजरना देखकर जिंदगी बज़ाहर खुशी बसर हो रही थी, लेकिन दिल का हाल अल्लाह ही जानता था। उन्हें ऐसा लगता था कि अलिफ लैला की जिन की तरह उनके पास भी जिन होता, जो उनके बात सुनकर फौरन गांव का नक्शा ही बदल देता। पोस्टमास्टर की तनख्वाह बहुत कम थी। उन्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था, लेकिन उस गांव में एक लड़की रहती थी जो यतीम थी। उसकी उम्र 13 साल थी और उसका नाम रतन था। वो पोस्टमास्टर के काम में हाथ बटा देती थी, उसके बदले में उसे थोड़ा खाना मिल जाता था। उसकी शादी ब्याह की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन पोस्टमास्टर ने रतन से उसके माँ बाप के बारे में पूछा। रतन, तुझे अपनी माँ याद है? वो कहती है, ये तो एक लंबी कहानी है, कुछ याद नहीं। माँ से ज़्यादा मुझे बाप ही चाहता था। बाप की कुछ याद बाकी है। शाम को बाप काम से लौटता, ऐसे ही 2 शामों का नक्शा उसकी आंखों में आ जाता। बातों में रतन पोस्टमास्टर के पांव के पास बैठ जाती। उसे याद आता है उसका एक छोटा भाई था। अरसा हुआ, बरसात के मौसम में एक दिन दोनों ने मिलकर एक छोटे से तालाब पर दरख की टूटी टहनी से छूट मुट मछली का शिकार खेला था। ज़िंदगी के बड़े बड़े वाक़यात में से यही सबसे ज़्यादा उसे याद आया करता है। इसी तरह बातों में रात ज़्यादा हो जाती तो पोस्टमास्टर को खाना पकाने में सुस्ती मालूम होती। रतन जल्दी चूल्हा सुलगा कर 2-4 रोटियां सेक लेती। दिन का बचा हुआ सालन होता, इसी से दोनों का रात का खाना हो जाता। ऑफिस की चौकी पर बैठे पोस्टमास्टर अपने घर की बातें रतन से कहने लगा। छोटे भाई, माँ और बड़ी बहन की बातें, घर से दूर तन्हाई में दिल को बहलाने के लिए वो रतन से अपने घर वालों के बारे में बातें करने लगा। जो बातें वो नील कोठी के मालिकों से करने में हिचकाता था, उसने वो सारी बातें एक यतीम और जाहिल लड़की के सामने कह दिया। लड़की ने अपने नन्हे से दिल में उन लोगों की ख्याली तस्वीर भी बना ली। बरसात की एक दोपहर को जब आसमान साफ था और कुछ गर्मी लिए हुए हल्की हल्की हवा चल रही थी, मालूम हो रहा था थकी मांदी जमीन की गर्म सांस बदन पर लग रही है। उसी वक्त पोस्टमास्टर को ऐसा एहसास हुआ कि उस वक्त उसका कोई अपना अजीज
उसके साथ होता तो उसके तो उसका दिल बहल जाता, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। इसलिए उसने लंबी सांस लेकर रतन को पुकारा, जो उस वक्त अमरूद खा रही थी। पोस्टमास्टर का आवाज़ सुनते ही हाँफती हुई आई और दादा कहकर पुकारने लगी। पोस्टमास्टर ने रतन से कहा, आज मैं तुझे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। ये कहकर उसे ले बैठे और दोपहर का वक्त उसे इब्तदाई हर्फ बताने में कट गया। इसी तरह थोड़े ही दिनों में रतन ने सब हरफों का सबक ख़त्म कर लिया। एक बार सावन के महीने में बारिश की कोई हद ना रही थी, नदी नाले सब पानी से भर गए। एक दिन सुबह हुई पर पोस्टमास्टर पर रतन का बुलावा नहीं आया। पोस्टमास्टर की सागिर बहुत देर से इंतज़ार करती रही, लेकिन कोई भी बुलावा नहीं आया। वो ये सोचकर कमरे के अंदर नहीं जाती थी कि शायद दादा आराम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से पोस्टमास्टर की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही जब कमरे के अंदर गई तो पोस्टमास्टर का पूरा बदन गर्म से तपतपा रहा था। वो काफ़ी बीमार हो गए थे। उस वक्त छोटी सी लड़की ना रही, रतन उस वक्त छोटी लड़की ना रही, बल्कि उसने माँ की जगह ले ली। डॉक्टर बुलाया, दवा पिलाई, रात भर सराहने बैठी रही, जागती रही और मरीज का खाना भी खिलाया। बार बार पूछती रही, क्यों दादा, कहो, तबीयत कुछ अच्छी मालूम होती है। बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर कमज़ोर जिस्म के साथ बिस्तर अलालत को छोड़कर उठे। दिल में अब उन्होंने ठान ली थी कि अब किसी भी हालत में वो इस गांव में नहीं रहेंगे। अब तबादला कराना बहुत ही जरूरी हो गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ की आब हवा उनको रास नहीं आ रही थी। उन्होंने उसी वक्त अफसरों के पास तबादला की दरख्वास्त कलकत्ता रवाना कर दी। ज़िम्मेदारी से फुर्सत पाते ही रतन ने दरवाजे के बाहर अपनी पुरानी जगह इख्तियार कर ली, लेकिन पहले की तरह अब उसका बुलावा नहीं आता। कभी कभी झांक कर देखती, पोस्टमास्टर ना मालूम किस ध्यान में चौकी पर बैठे या चारपाई पर लेटे नजर आते, जबकि रतन पुकारे जाने के आस में बैठी रहती। उस वक्त पोस्टमास्टर अपनी भेजी हुई दरख्वास्त का जवाब का बेचैनी से इंतज़ार करते हुए बाहर दरवाजे पर लड़की बैठी अपना पुराना सबक दोहराया करती। उसे अंदेशा था कि जिस दिन यकायक उसे सबक पूछा जाएगा, उस दिन वो मुरक्कब हरफों में कहीं गलती ना कर बैठे। आखिर एक हफ्ता बाद शाम को उसकी पुकार हुई। पोस्टमास्टर कहने लगे, मैंने अपने बदले के लिए जो दरख्वास्त भेजी थी वो नामंजूर हो गई, लिहाजा मुझे ये नौकरी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये नौकरी छोड़कर अपना घर कलकत्ता वापस जा रहा हूँ। लड़की ने उनसे पूछा, दादा मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? पोस्टमास्टर हंसकर बोले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जिन वजहों से ये बात नामुमकिन थी, लड़की को समझाने की ज़रूरत उन्होंने ना समझी। कलकत्ता के आदत के मुताबिक वो घर ही में नहाया करते थे। नहाना ख़त्म होते ही उन्होंने रतन को पुकारा। रतन चुपचाप घर में दाखिल हो गई। उन्होंने कहा, रतन मेरी जगह पर जो साहब आएंगे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह उन्हें समझा कर जाऊँगा, वो मेरी ही तरह तुम्हारा ख्याल करेंगे। मैं जा रहा हूँ, इसकी कोई फिक्र ना करना। उसमें कोई शक नहीं, ये अल्फाज गहरी मोहब्बत और सच्ची हमदर्दी से भरे हुए दिल से निकले थे, लेकिन उनकी ये प्यार की बातें बर्दाश्त ना कर सकी और रो पड़ी। मुझे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी के पास रहना नहीं चाहती हूँ। पोस्टमास्टर रतन की इस कैफियत से वाकिफ ना थे, वो दंग रह गए। नए पोस्टमास्टर आ पहुँचे। उन्हें कुल चार समझा कर पुराने पोस्टमास्टर जाने को तैयार हुए। जाते वक्त उन्होंने रतन को कहा, रतन तुम्हें कुछ दे ना सका था, आज जाते वक्त कुछ दे जा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने अपने जेब से कुछ पैसे रतन को निकाल कर दिए। रतन उनके पाँव पर गिर कर बोली, दादा तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे कुछ देने की तकलीफ़ ना करो, मेरे लिए कुछ भी फिक्र ना करो। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई। पोस्टमास्टर ने ठंडी सांस ली और गांव की तरफ चल पड़े। जब नाव पर सवार हुए तो उन्हें रतन का आंसू से भरा हुआ चेहरा सामने नज़र आने लगा। उस वक्त उन्हें बहुत ही दुख महसूस हुआ। एक मासूम लड़की की मकमूल सूरत एक पोशीदा और बेपाया दर्द दिल का इजहार करने लगा। एक मरतबा जी चाहा कि लौट जाए और दुनिया की ठुकराई हुई इस लड़की को अपने घर साथ ले आए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि लौटने से कोई फ़ायदा नहीं था। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। नाव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी और वो गांव से काफ़ी दूर पहुंच गई।
पोस्टमास्टर को एहसास होने लगा कुछ दिनों के बाद रतन उन्हें भूल जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ मायल हो जाएगी।